आ गया भाई, आ गया तुम्हारे गांव मोहल्ले में, आ गया मदारी, आ गया तुम्हारे गांव मोहल्ले में बंदर बंदरिया का तमाशा दिखाने के लिए, आ गया जल्दी जल्दी आ जाओ, और हाथ में 50 पैसे 20 पैसे 5 पैसे जो भी हो उन्हें दबा के ले चले आओ। बच्चों लोगों आ जाओ सब लोग आ जाओ। अरे भाई साहब, ये बंदर क्या पालतू है, आपको काटता नहीं है, कुछ करता नहीं है, आपको इसको मिलने झुलने में कितना टाइम लगा, कितने दिन में मिल झुल गया? मैं भी एक बंदर पालने की सोच रहा हूँ। अरे बैठे बैठे यहाँ पर ज्यादा बातें मत बनाओ, तुम यहाँ पर तमाशा देखने आयो या मेरा धंधा छीनने आयो? तुम क्यों पालोगे बंदर? अरे मेरे पास है तो बंदर, इसी को देखो, मेरा धंधा कॉपी करने की कोशिश मत करो। अरे क्यों भाई, ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर, क्या तमाशा लगा रखा है? अरे इंस्पेक्टर साहब, तमाशा ही तो लगाया है, तमाशा ही दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। वही तो कह रहा हूँ मैं, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने यहाँ पर? परमिशन के बिना तुम तमाशा नहीं दिखा सकते यहाँ पर। कोई भी अगर तमाशा दिखाने के लिए आता है या कोई भी काम करने के लिए आता है, उसकी परमिशन लेना पड़ती है, तुम्हें भी परमिशन लेना होगी, आ जाना थाने पे। अरे इंस्पेक्टर साहब, थाने पे आने की क्या जरूरत है, यहीं पे निपटा लो ऊंच नीच करके, बोलो क्या कर दूं बता दो। अरे तुम मुझे इस तरीके का इंस्पेक्टर समझती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके की बात करने की? मुझसे ज्यादा शरीफ इंस्पेक्टर इस एरिया में नहीं है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम रिश्वत की बात करना चाह रहे हो। अरे रिश्वत नाम से मुझे नफरत है। चलो मैं इस बार छूट देता हूँ, इस बार तुम तमाशा दिखा लो, आगे जब भी आओ तो मुझसे परमिशन लेके दिखाना, जरा दिखाना ये बंदरिया तुम्हारी कैसे नाचती है। ये नाच नहीं रही है, ये तो बैठी पड़ी है, समझे? अरे कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, अभी नचाता हूँ, अभी नचाता हूँ मैं इसको। असल में मैं तो आपको देख के डर ही गया था, ये भी आपको देख के डर गई थी, इसीलिए इसने नाचना छोड़ दिया, अभी नचाता हूँ इससे। अरे ये नाच क्यों नहीं रही है आज, नाच नाच, पता नहीं क्या हो गया, नाच भी नहीं रही है, लगता है तमाशा आज वैसे भी नहीं हो पाएगा। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे राहुल, मैंने अपनी बैलगाड़ी के बैलों की रस्सी तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी है, सही से पकड़े रहना समझे, अगर बैल दाएं बाएं भागे बता देना, और अपना गांव के मेले में पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी जल्दी अपने पैसे निकाल के तैयार रखो, मेरे किराए के पूरे 50-50 रुपए निकाल के तैयार रखो। अरे मोदी जी, 50-50 रुपए ज्यादा ना मांग रहे हो, 50 रुपए में तो हम गाँव का पूरा मेला घूम लेंगे। अरे मैं भी लालू जी की बातों में आ गया, इन्होंने बताया दूसरे गाँव में बहुत भारी मेला लगा है, देखने के लिए चलते, मोदी जी अपनी बैलगाड़ी ले जा रहे हैं, बैलगाड़ी पे बैठा के ले जाएंगे सस्ते किराए पे। लेकिन मुझे क्या पता था तुम एक सवारी से 50 रुपए का किराया लोगे, मैं तो मेला देखने कभी नहीं जाता। अरे भाई मोदी जी, तुमने सवारी भी बहुत बैठा रखी है अपनी बैलगाड़ी में, बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है, हमें तो बिल्कुल पीछे बैठा दिया है, ऐसा लग रहा है कहीं गिर ना जाए। अरे राहुल, इस बार अपना मेले में जाके सबसे पहले तो सर्कस देखेंगे, उसके बाद ऊंचा वाला झूला झूलेंगे, क्योंकि पिछले साल के मेले में अपना ऊंचा वाला झूला नहीं झूल पाए थे, तुम कह रहे थे मुझे डर बहुत लगता है ऊंचे वाले झूले से, इस बार झूलेंगे अपना लोग। नहीं मेरे बेटे राहुल, योगी जी की बातों में मत आना, तू ऊंचा वाला झूला मत झूलना, बहुत डर लगता है उस पे, मैं बचपन में झूली थी। अरे मोदी जी, मोदी जी तुम्हारा ध्यान किधर है, सामने देखो, सामने कोई अपनी बैलगाड़ी रुक पा रहा है, क्या रोक लूं बैलगाड़ी को? रोको भाई रोको, रोको बैलगाड़ी को, रोको रोको। जी सर जी, बोलिए क्या बात है? अरे तुम अपने बैलों की जरा सी भी परवाह नहीं करते हो, इतनी सवारी लाद के ले जा रहे हो अपनी बैलगाड़ी में। अरे सर जी, हम तो बैलगाड़ी में इससे ज्यादा ज्यादा सामान ढोते हैं, हम सब लोग इकट्ठे होके पास के गांव में मेला देखने के लिए जा रहे हैं, पास के गांव में मेला लगा हुआ है, आपको मालूम ही होगा। अरे भाई, इस पे सामान ढोने की अलग बात है, तुम इस पर सवारी इतनी बैठाल कर क्यों ले जा रहे हो, मैं तुम्हारा चालान काटूंगा। अरे जी सर जी, कैसी बात करती हूँ, बैलगाड़ी का भी कोई चालान कटता है? हाँ भाई कटता है, मैं काटूंगा तुम्हारी बैलगाड़ी का चालान, अभी काटूंगा। तुमने सामान ढोने वाली बैलगाड़ी को सवारी गाड़ी बना रखा है, कहीं तुम सवारियों से किराया तो नहीं लेते हो? अरे सर जी, ये किराया लेते हैं, 50 रुपए सवारी किराया लेते हैं, ये 50 रुपए में ले जा रहे हैं हमें मेले में। अरे उबैसी जी, कौन सी मनुष्यगणी में मैंने अपनी बैलगाड़ी में तुम्हें बैठा लिया, कटवा दिया मेरी बैलगाड़ी का चालान। माइनों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लो अखिलेश, तुम भी लो एक नारियल और एक मिठाई का डिब्बा। लेकिन मोदी इंस्पेक्टर जी, ये सम्मान तो हमें आपके लिए करना चाहिए, आप उल्टा हमें सम्मानित कर रहे हैं। नहीं केजरीवाल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जिस गांव में भी ड्यूटी करने के लिए जाता हूँ, पहले उस गांव के सम्मानित और अच्छे लोगों से पकड़ बनाता हूँ। अब देखो, इस गांव में मेरी नई नई ड्यूटी लगी है, यहाँ पर मैं कल ही आया हूँ, तो मैंने आते ही पूछा इस गांव में कौन कौन लोग हैं जो अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, तो लोगों ने आप चारों का नाम बताया, तो मैं सुबह ही
एक एक मिठाई का डिब्बा और एक एक नारियल लेके आपके पास चला आया। मोदी इंस्पेक्टर जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो हमारे लिए इतना कर रहा है। अरे ये हमारा गांव है, हमें आपकी खातिरदारी करना चाहिए, आप यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं लालू जी, यहाँ से ये मेरा भी गांव है, इस गांव की सुरक्षा मेरे हाथ में है। वैसे मोदी इंस्पेक्टर जी एक बात बताओ, इस मिठाई के डिब्बे में मिठाई कौन सी है, गुलाब जामुन है या बर्फी है, ये बताओ। योगी जी, इन मिठाई के डिब्बे में ना बर्फी है ना गुलाब जामुन है, सब में लड्डू है पांच पांच। और मेरे लिए कोई भी सेवा हो आप सब लोग तुरंत मुझे बताना, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। और आपकी और गांव वालों की सेवा करना कानून का हक है। अगले सब तुम्हें लड्डू और नारियल मिल गया, एक जाके कुर्सी ले आओ मोदी इंस्पेक्टर जी के लिए बैठने के लिए। वैसे मोदी जी एक बात बताओ, आप कहीं पे ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, कितने दिन के लिए वहाँ पे रहते हैं? लालू जी वैसे तो मैं लंबा नहीं टिक पाता कहीं पे, एक महीना और दो महीने में मेरा ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन मोदी इंस्पेक्टर जी एक बात बताइए, इतनी जल्दी आपका ट्रांसफर क्यों कर दिया जाता है? जहाँ तक आपके बारे में सुना है, आप तो एक अच्छे पुलिस वाले हैं। अखिलेश जी, इसीलिए तो मुझे जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर दिया जाता है, मैं अच्छा पुलिस वाला हूँ, मैं अपना पूरा काम ईमानदारी से करता हूँ, और सारे देश के पुलिस वालों को अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन मोदी इंस्पेक्टर जी पांच पांच लड्डू कम है, थोड़े से लड्डू और दे देते आप हमें। लालू जी आप भी बेतुकी बात कर रहे हैं, अभी तो कह रहे थे इसकी क्या जरूरत है, अब मुझसे कह रहे हो कि पांच लड्डू कम है। अगर आपको पांच लड्डू कम लग रहे हैं, मुझे डिब्बा वापस कर दो, किसी और गांव वाले को दे दूंगा। मैं जितनी विनम्रता से बात करता हूँ उतनी ज्यादा सख्त भी हूँ मैं। अब मैं चलता हूँ, मेरी ड्यूटी का वक्त हो रहा है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देख राहुल, चने को सस्ता मत बेचना, बहुत बढ़िया चना पैदा हुआ है अपने खेत में, इसीलिए मैं मंडी में खुद आई हूँ, क्योंकि तू जो भी फसल होती है उसे सस्ते भाव में मंडी में बेच देता है। आज मैं अपने सामने बोली लगवाऊंगी अपने चने की, 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोली शुरू कर राहुल तू इस चने की। अरे सोनिया जी कैसी बात कर रही हो, तुम तो ये समझ रही हो कि खेत में चना नहीं सोना पैदा हो गया, इतने महंगे भाव से अपने चने की बोली लगवाओगी? इस बोली से मैं तो पीछे हटता हूँ, मैं नहीं खरीदूंगा इस चने को। अरे जाओ लालू जी, तुम्हें नहीं खरीदना है तो मत खरीदो मेरे चने को। जब मम्मी जी ने कह दिया कि 10,000 रुपए से बोली की शुरुआत होगी तो 10,000 रुपए से होगी, चाहे तुम खरीदो चाहे मत खरीदो। देखो मोदी जी, योगी जी, अखिलेश बहुत से खरीदार हैं, ये खरीदेंगे हमारे चने को। चलो 10,000 रुपए से बोली स्टार्ट करता हूँ। 10,500 में मैं खरीदता हूँ तुम्हारा चना। अरे योगी जी ऐसे कैसे खरीदते हो तुम, हम कोई झक मारने के लिए थोड़ी आए। 11,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं खरीदता हूँ राहुल का चना। 12,000 रुपए प्रति क्विंटल से मैं खरीदता हूँ। 15,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं खरीदता हूँ जिस चने को। 16,000 रुपए प्रति क्विंटल। 17,000 रुपए प्रति क्विंटल। 20,000 रुपए प्रति क्विंटल। 22,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मेरे नाम में लिख दो इस चने को। अरे ऐसे कैसे लिख दो, 25,000 रुपए प्रति क्विंटल। जबरदस्त चने की बोली देखने को मिल रही है योगी जी और अखिलेश के बीच, लेकिन मोदी जी अभी खामोश हैं। योगी जी की लास्ट बोली 25,000 रुपए प्रति क्विंटल। 50,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं लेता हूँ तुम्हारा चना राहुल। भाई अब तो मैं चने की बोली से पीछे हाथ करता हूँ, अब मैं नहीं खरीदूंगा इतना महंगा चना। योगी जी अब लगाओ चने की बोली, मोदी जी के सामने देखते हैं कौन खरीदता है ये चना, अब तो देखेंगे हम। अरे अखिलेश हम तुम्हारे तरह पीछे थोड़ी हटने वाले, 55,000 रुपए प्रति क्विंटल। 70,000 रुपए प्रति क्विंटल। अरे मोदी जी एकदम इतनी लंबी बोली लगा रहे हो, कम से कम 55 के बाद 60 बोल देते, तुम तो 70 पे आ गए। चलो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, 80,000 रुपए प्रति क्विंटल। 1,00,000 रुपए प्रति क्विंटल। 1,00,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से राहुल ये चने की डेयरी मेरे नाम में लिख दो। अरे भैया पीछे हटने में ही भलाई है, मोदी जी आप ही खरीद लो ये चने की डेयरी, मैं नहीं खरीदूंगा।